शिमला नागरिक सभा की टूटू इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल एचआरटीसी टैक्सियों, टेम्पो ट्रैवलर के संचालन, बस किराए और लोकल बस सेवा शुरू करने के संदर्भ में हिमाचल पथ परिवहन निगम के महाप्रबंधक पंकज सिंगल व डिप्टी डिवीजनल मैनेजर देवासेन नेगी से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मांग पत्र के संदर्भ में सोमवार तक ठोस निर्णय लिया जाएगा और नागरिक सभा की मांगों को पूर्ण किया जाएगा। नागरिक सभा ने चेताया है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। शिमला नागरिक सभा टूटू इकाई की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल एचआरटीसी के अधिकारियों से मिला है। इसमें देवासेन नेगी जी और जो सिंगल साहब हैं, जो जीएम भी हैं एचआरटीसी के, उनसे ये मुलाकात हुई है और चार सूत्रीय मांग पत्र हमने सौंपा है। 6 अक्टूबर 2022 को भी हम आए थे आज से 2 महीना पहले, और एक मांग पत्र उस वक्त भी हमने सौंपा था। उस वक्त भी हमने ये मांग की थी कि शिवनगर, विजयनगर, लोअर टूटू, टूटू से होते हुए जो टैक्सी सेवा जो है सीटीओ तक संचालित की जा रही है, एकदम से आनन फानन में उसका किराया जो है 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया था। तो ये किराया वृद्धि जो है 67% से ज़्यादा थी, और ऐसी किराया वृद्धि हिंदुस्तान के अंदर कभी भी अचानक से नहीं हुई, इतनी ज़्यादा कहीं भी नहीं हुई। ये बहुत ज़्यादा किराया वृद्धि थी, तो इस किराया वृद्धि को लेने की, वापस लेने की हमने उस वक्त भी मांग की थी, आज भी मांग की है। ये तर्कसंगत नहीं है, तर्कहीन है, और इसलिए तुरंत जो है किराए को पुरानी दरों पर 30 रुपये पर ही वापस लिया जाए, जिस पर जो है अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस संदर्भ में जो है वे निश्चित तौर पर जो है एक सकारात्मक रुख बना कायम करेंगे और इस संदर्भ में जो जनता को न्याय देंगे। दूसरा मुद्दा हमारा जो था वो था शिवनगर और जतोग से लेकर शिमला तक जो है एक लोकल बस चलाने का, एक जतोग से एक शिवनगर से 2 लोकल बसें जो है चलाई जाए। और सबको मालूम है कि टूटू उपनगर जो है शिमला नगर निगम का सबसे बड़ा उपनगर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक भी लोकल बस जो है टूटू से या जतोग से या शिवनगर से नहीं चलती है, और ये अपने आप में एक टूटू के प्रति संवेदनहीनता है। तो इस संदर्भ में भी आश्वासन दिया अधिकारियों ने कि जल्द ही जो लोकल रूट की जो बसें हैं वो जतोग से और शिवनगर से जो है शिमला के लिए चलाई जाएंगी, और हर एक घंटे में जो है वो टूटू से जतोग से या शिवनगर से शिमला और शिमला से वापस जो है वहाँ के लिए लगातार चलेगी। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया था वो ये था कि सुनने भी ये आ रहा है कि जो टैक्सी अभी जो है टूटू से संचालित की जा रही है, शिवनगर से संचालित की जा रही है सीटीओ तक, उसको जो है बदल कर जो है बड़ी टैक्सी चलाकर जो है वहाँ से उसका रूट ही बदला जा रहा है। अभी जो है शिवनगर से जो रूट है वो सीटीओ माल रोड तक है, लेकिन वो रूट बदल कर जो है वो शिवनगर से लोकल बस ओल्ड बस स्टैंड शिमला तक जो है किया जा रहा है। तो ये जो टैक्सी सेवा है मूलतः है जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए है, बूढ़े लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आम जनता है, जो बीमार हैं उनके लिए, कि किसी कारणवश अगर उनको मार रोड पर अपने कार्य के लिए जाना पड़ता है, आईजीएमसी की ओर जाना पड़ता है, तो उसके लिए इन टैक्सियों को संचालित किया गया था। इस टैक्सी को जो है शिवनगर से सीटीओ से हटाकर जो है शिवनगर से ओल्ड बस स्टैंड की ओर किया जाता है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये टैक्सियां ही खाली आएंगी, क्योंकि 15 रुपये में तो उसे कोई भी जो है पाया बस भी ओल्ड बस स्टैंड आ सकता, तो 30 रुपये या 40 रुपये या 50 रुपया कोई भी जो है बस स्टैंड का नहीं देगा, और ये टैक्सियां ही फेल हो जाएंगी। तो इस संदर्भ में हमने बात की और उस पर इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये टैक्सी जो है किसी भी रूप में जो है ओल्ड बस स्टैंड तक नहीं की जाएगी, जहां चल रही है शिवनगर से सीटीओ तक वहीं तक जो है ये टैक्सी सेवा रखी जाएगी। चौथी बात जो है जो हमने ये कही है कि क्योंकि जो टूटू है वो पूरी तरह से निग्लेक्टेड है, और जो हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो सुविधाएं हैं, जैसे टैक्सी की बात हम कर रहे हैं, तो पूरे शिमला के अंदर जो है जिस तरीके से और जगह के लिए 2, 3, 4 एचआरटीसी की टैक्सियाँ चल रही है, लेकिन टूटू में केवल एक टैक्सी है। तो हमने एक और अन्य टैक्सी की मांग की है जो शिवनगर से लेकर जो है वो दूसरी टैक्सी भी जो है सिटीओ तक चले। तो उस संदर्भ में भी अभी इन्होंने ये कहा है कि शनिवार को ये सारे अधिकारी जो आपस में मिल बैठ कर जो बात करने वाले हैं, और शनिवार के बाद जो है सोमवार को हमें इन्होंने सुनेह दिया है कि सोमवार को पूरा खाका जो इस बात के संदर्भ में बना दिया जाएगा कि लोकल बसें जो हैं या एचआरटीसी टैक्सी जो है या उसका संचालन जो है या किराए के संदर्भ में जो हमने सारी बातें की हैं, सोमवार को जो है सारी बातें जो है वो हमारे मध्य जो है रखेंगे, हमारे से द्वारा से ये शिमला नागरिक सभा के डेपुटेशन के साथ बैठेंगे और सारी चीजों को तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।